बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम अमावस्या की बात करें तो अमावस्या की जो तिथि है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर महीने की अमावस्या का अपने आप में विशेष महत्व होता है। अगर हम पितृ विसर्जन अमावस्या की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि जो महीना अभी चल रहा है आश्विन महीने का जो कृष्ण पक्ष है इसका संबंध होता है पितरों के साथ, पूर्वजों के साथ, और इस महीने की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। एक बात आप वैसे भी जान लीजिए कि किसी भी महीने की अमावस्या होगी उसका संबंध पितरों से होगा, उसका संबंध पूर्वजों से होगा। तो पितृ विसर्जन अमावस्या एक तो पितृ पक्ष की अमावस्या है, दूसरे अमावस्या होने की वजह से इसका संबंध पितरों से बहुत ज्यादा है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो आपकी धरती पर आपके पूर्वज आए हैं, जो आपके पितृलोग आए हैं सूक्ष्म शरीर धारण करके, उनको सम्मान दिया जाता है और उनकी विदाई की जाती है। हो सकता है व्यस्तता की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से या कोई अन्य कारण हो, आपने पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद न किया हो, तर्पण न किया हो, तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करके दान करने से और निर्धनों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जैसा आपको शुरुआत में ही बताया कि अमावस्या के दिन अगर आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान करते हैं, निर्धनों को भोजन कराते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं, तो इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन दान करने का फल अमोघ होता है, यानी पितृ विसर्जन अमावस्या पर अगर आप दान करते हैं तो उसके बहुत सारे शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। पितरों से, पूर्वजों से दो ग्रहों का गहरा संबंध है, एक है राहु और एक है केतु। तो अगर कुंडली में राहु से संबंधित बाधा है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर उससे भी मुक्ति पाई जा सकती है। और इस बार जो पितृ विसर्जन अमावस्या की स्थिति बन रही है वो 25 सितंबर को बन रही है, यानी इस दिन आपको दान पुण्य करना है, अपने पूर्वजों को याद करना है और अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा व्यक्त करनी है। देखिए, पितृपक्ष में आपके पूर्वज, आपके पितृ सूक्ष्म रूप से आपके निकट आते हैं, सूक्ष्म रूप से आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन की रक्षा करते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर पूर्वजों की, पितरों की विदाई की जाती है और विदाई करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कैसे विदाई करेंगे? देखिए, जब किसी पूर्वज के देहांत की तिथि का पता ना हो कि किसी पूर्वज का देहांत कब हुआ है, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। क्योंकि आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते कि किसका देहांत कब हुआ था, एकाध दो का भले याद हो, सबका याद नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाइए और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करिए। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाइए, भोजन सात्विक हो, प्याज लहसुन नहीं होगा और भोजन में खीर पूरी का होना आवश्यक है। भोजन जो आप कराएंगे किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को, वो दोपहर के समय में कराएंगे, मध्याह्न में कराएंगे, और ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि देंगे। हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवता के लिए भोजन निकालने को पंच बलि कहा जाता है। इसके बाद हवन करिए, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए,
उनका तिलक करिए और दक्षिणा दे करके उनको विदा करिए। इसके बाद घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर के भोजन करेंगे और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ये होगा अमावस्या का पूजा विधान। अमावस्या पर पितृ विसर्जन अमावस्या पर आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का, आपके जन्म जन्मांतर के संबंधों का स्वामी है राहु। पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपके पितरों के साथ आपका संबंध कैसा है, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में है या नहीं है, ये तमाम बातें राहु बताता है। क्या करना चाहिए राहु की समस्या अगर समाप्त करना चाहते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या पर? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनवाइए या बनाइए। मध्य दोपहर में दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए और ये खाने पीने की चीजें अपने सामने रख करके प्रार्थना करिए। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिए। दो मंत्र हैं राहु के, आप कोई भी जप लीजिए, ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जप करें और इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या खिला दें। कुत्तों को इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाइए, बिस्कुट है, रोटी है, दूध पिला दीजिए या उनके खाने की जो भी चीजें आती हैं वो खिलाइए। ऐसा करने से राहु का जो प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक है, राहु का जो प्रभाव आपके जीवन में निगेटिव है, वो काफी हद तक समाप्त होना शुरू हो जाएगा।